रानीगंज ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पश्चिम बंगाल नेत्र विज्ञान सोसाइटी की तरफ से नेत्र विज्ञान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां स्कूली छात्रों के लिए नेत्र जांच शिविर भी लगाया गया, जहां विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राओं ने नेत्र परीक्षण किया। पश्चिम बंगाल नेत्र विज्ञान सोसाइटी की तरफ से शनिवार को रानीगंज ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सामुदायिक नेत्र विज्ञान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रानीगंज लायंस आई हॉस्पिटल के अधीक्षक और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अब्दुल कयूम ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यहां स्कूली छात्रों के लिए नेत्र जांच शिविर भी लगाया गया, जहां विभिन्न स्कूलों से आए काफी संख्या में छात्र छात्राओं का नेत्र परीक्षण किया गया। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने छात्रों की नेत्र जांच की और आंखों की देखभाल के लिए उन्हें जरूरी सुझाव भी दिए। इस मौके पर BMOH डॉक्टर अरशद अहमद भी उपस्थित थे। आज हम लोग का वेस्ट बंगाल ऑप्टोमी सोसाइटी का कम्युनिटी सर्विस के लिए एक प्रोग्राम चालू किया गया, इनोग्रेशन किया गया हम लोग का डिपार्टमेंट हेल्थ का सहायता के साथ। ये जो हुआ है, बच्चों लोग का मेनली स्क्रीनिंग किया जाएगा, जिन लोग आँख में प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कत है, उसके बाद उन लोग का स्पेक्टिकल फी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हम लोग का भी एक प्रोग्राम चल रहा है अभी गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट का चौखेरा आलो, उसमें दिखा जा रहा है कि बहुत जन का हम लोग का प्रॉब्लम जिस किसका हो रहा है आँख में, कि 90% जो ब्लाइंडनेस हो रहा है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, वो नहीं होने से हम लोग रोक सकते हैं। तो वो सब दिखा जा रहा है, बहुत जन का कैटरेक्ट हो रहा है, बहुत बच्चा लोग का भी दिक्कत नज़र आ रहा है, जो बाद में जाके वो इरिवर्सिबल हो जा रहा है, मतलब वो आँख खराब हुआ चीज़ को हम लौटा नहीं पा रहे। तो वो सब चीज़ को ठीक करने के लिए अभी हम लोग क्या होगा कि हम लोग ऑप्थल्मोलॉजिस्ट लोग का हेल्प चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या किया, अभी बहुत जगह हम लोग ऑप्थल्मोलॉजी सोसाइटी ऑफ वेस्ट बंगाल का, उन लोग का कम्युनिटी सर्विस और हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के दोनों हाथ मिला के ये प्रोग्राम चालू किया गया, जैसे बच्चा लोग का भी स्क्रीनिंग किया जाए एवं उन लोगों का कुछ प्रॉब्लम रहने से फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेक्टिकल्स किया जाए। यही प्रोग्राम आज इनोग्रेशन किया गया रानीगंज BPSC में डॉक्टर अब्दुल कयूम मेडिकल सुपरिटेंडेंट लायंस आई हॉस्पिटल के द्वारा। प्रोग्राम जो है ऑलरेडी चल रहा है, हम लोग डिपार्टमेंट की तरफ से चल ही रहा है, RBS की टीम करते हैं हम लोग का, और हम लोग का जो ऑप्टोमेटिस्ट जो है ऑप्थोमेटिक असिस्टेंट वो तो कर ही रहे हैं, उसका साथ साथ हम लोग का OSWB की तरफ से भी किया जा रहा है। तो ऑलमोस्ट सब स्कूलों को कवर किया जाएगा, सब स्कूलों को, सब प्राइवेट सरकारी सबको कवर किया जाएगा। डॉक्टर अब्दुल कयूम ने कहा कि नेत्र हमारे शरीर के महत्वपूर्ण नाजुक व संवेदनशील अंगों में से एक है और इससे हम इस खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं। मौजूदा समय में देखा जा रहा है कि कम उम्र के बच्चे भी आंखों से संबंधित विभिन्न बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, इसलिए बच्चों की आंखों की देखभाल बहुत जरूरी है। आजकल किशोर उम्र के बच्चों पर एक तो पढ़ाई का बहुत दबाव है, दूसरा गैजेट्स के बढ़ते चलन के कारण उनकी आंखों पर डिजिटल स्ट्रेस काफी बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि माता पिता उन्हें आंखों की देखभाल करने के लिए प्रेरित करें, उन्हें समझाए कि पोषक भोजन, पर्याप्त आराम और गैजेट्स का सीमित इस्तेमाल आंखों को स्वस्थ रखने और बढ़ती उम्र के साथ आंखों की रोशनी बनाए रखने के लिए कितना जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि आंखों की नियमित रूप से जांच कराएं, अगर कोई समस्या हो उपचार कराने में देरी ना करें, बच्चों को गैजेट्स का अधिक इस्तेमाल ना करने दें। बच्चों की आंखें नाजुक होती है, स्क्रीन को अधिक समय तक घूरने से उनकी आंखों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंच सकता है। उन्हें संतुलित और पोषक भोजन खाने की आदत डालें, ताकि उनकी आंखों का विकास उचित रूप से हो सके। सारा पश्चिम बंगला जो चोखे डॉक्टर सोसाइटी ऑप्थल्मोलॉजी सोसाइटी ऑफ वेस्ट बंगाल, तारा विभिन्न कम्युनिटी बेस्ड कार्यक्रम करे जाए, तादेर एकटा विंग आछे, किछु डॉक्टर तार संगे जुक्त हुए कार्यक्रम करे जाच्छेन, विभिन्न स्कूले गिए तादेर चेकअप करा, जदि कारो फल धरा पड़े हासपाताले बेस हासपाताले निये एसे तार ट्रिटमेंट करा, एबं जारा वयस्क लोक कोनो समय चोखे छानी पड़े तारा हयतो ड्यू टू नेग्लिजेंस বা অর্থের ভাবে বাইরে যেতে পারেন না চিকিৎসা করাতে, তাদেরকে তারা অপারেশনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। তো সেই পার্ট অফ ইট আমি এখানে যুক্ত হতে পেরেছি, কারণ আমিও একজন সোশ্যাল ওয়ার্কার বলতে পারেন, আই এম ওয়ার্কিং ইন এ লায়ন্স হসপিটাল, যেখানে আমরা বছরে প্রচুর ফ্রি অপারেশন করে থাকি। তো এদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা বাধা দিয়েছি যে সমস্ত পেশেন্ট পয়সার অভাবে অপারেশন করতে পারবে না, আপনারা যদি চেক আপ করে দেখেন আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন, আমরা ফ্রি অফ কস্ট অপারেশন করে দেবো। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। समाज सेवा के पथ पर हमेशा अग्रसर लायंस क्लब ऑफ रानीगंज द्वारा संचालित नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में विश्वसनीय लायंस MJMI हॉस्पिटल। लायंस MJMI हॉस्पिटल के अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ द्वारा नेत्र जांच एवं अत्याधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, एक्सरे के बाद अनुभवी चिकित्सकों द्वारा सफल नेत्र ऑपरेशन किया जाता है।
हमारे अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शिवाजी सरकार, डॉक्टर अब्दुल कयूम, डॉक्टर चित्रांशु सामंत और डॉक्टर उत्पल पाल का लाभ दूर दराज से आए मरीजों को मिलता है। रानीगंज आई हॉस्पिटल के साथ जुड़ा बेहतर चिकित्सा का एक और पहल डायबिटिक सेंटर, यहाँ भी मरीजों को मिलेंगे अनुभवी चिकित्सक एवं अत्याधुनिक लैब की सुविधा। रानीगंज लायंस MJM आई हॉस्पिटल की बेहतर चिकित्सा के लिए दक्षिण बंगाल ही नहीं बल्कि झारखंड, बिहार एवं ओडिशा राज्य से भी मरीज चिकित्सा कराने आते हैं। मरीजों के सुविधार्थ उपलब्ध है 24 घंटे एम्बुलेंस एवं हाइजीनिक रेस्टोरेंट की सुविधा। रानीगंज लायंस MJM आई हॉस्पिटल, NSB रोड, रानीगंज। कॉन्टैक्ट नंबर 03412445205, 2443205, 2445242।